मामले में आज सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। 28 साल से इस फैसले का इंतजार था। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 28 साल बाद आडवाणी मुरली समेत 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। जज बोले, बाबरी की घटना अचानक से हुई, तस्वीरों से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पूर्व नियोजित नहीं थी घटना, यानी कि प्री प्लान्ड नहीं थी। घटना के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि किसी तरह के कोई साक्ष्य, कोई सबूत इन आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले हैं और इसी वजह से सभी आरोपियों को बाबरी विध्वंस मामले में बरी कर दिया गया है। इस केस में हमने देखा 28 साल में बहुत ही उतार चढ़ाव आए, किस तरह से या आपराधिक साजिश के जो पहले आरोप लगे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन आरोपों को पहले गिरा दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डे टू डे हियरिंग होगी इस मामले की और जो जज हैं सुरेंद्र यादव, उन्हें भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और बाद में कुछ देर के लिए ये एक्सटेंशन मिली, डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया और आज 28 साल के लंबे इंतजार के बाद सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये बड़े बड़े नाम आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा विवाद ये 1992 में बाबरी जो ढांचा है वो गिराया गया था और आरोप लगे थे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, बीजेपी के बहुत से बड़े बड़े नेता इसमें शामिल, कल्याण सिंह, विनय कटियार और वीएचपी के भी कई नेताओं का नाम इसमें शामिल था, लेकिन ये सभी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ी राहत की खबर बीजेपी के उन नेताओं के लिए जो कि कहा जाता है राम मंदिर आंदोलन से जो जुड़े रहे और उन्हीं के इर्द गिर्द ये बड़े चेहरे थे जो कि इसके नायक माने जाते हैं। और ये जो आरोप लगे थे आपराधिक साजिश के, उन आरोपों से आखिरकार अब मुक्ति मिल गई है इन बड़े नामों को। तो 28 साल से हम देख रहे थे कछुए की चाल से पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी। कई उतार चढ़ाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर रोज इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए और 2 साल का ये वक्त निर्धारित किया गया था, डेडलाइन दी गई थी और 2019 में कुछ देर के लिए और फिर एक्सटेंशन दिया गया और आज अब इस मामले में फैसला आ गया है। 28 साल के बाद आडवाणी मुरली समेत 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। जो सभी आरोपी हैं उनको अदालत में पेश होने के लिए आज कहा गया था, लेकिन 26 आरोपी थे जो कि अदालत में मौजूद थे, जो बाकी कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से कुछ आरोपियों को कोरोना हुआ है और कुछ को उम्र के मद्देनजर उन्हें घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस फैसले से जुड़ने की इजाजत दी गई और फैसला अब आ गया है। और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साक्षी महाराज, रामविलास वेदांती, चंपत राय, ये तमाम बड़े बड़े नाम जो अब इन आरोपों से मुक्त हो गए हैं क्योंकि अदालत ने कहा है कि किसी तरह के सबूत, किसी तरह के साक्ष्य इन आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि अदालत में बहुत से गवाह थे जो कि पेश किए गए थे, हालांकि 1000 से ज्यादा गवाहों की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन 351 गवाह अदालत में पेश हुए थे इस मामले में और कई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो भी पेश किए गए थे, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स थी जो कि अदालत में पेश की गई थी और उनकी ये पूरी स्टडी की गई, इनको एनालाइज किया गया, जो गवाह है वो यहां तक कि विदेशों में भी कुछ ट्रैक किए गए थे, उनको भी यहां पर मौखिक बयान देने के लिए बुलाया गया था। तो 351 बयान जो है वो दर्ज किए गए थे और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किया गया था, कुछ कैसेट्स थे जो कि न्यूज चैनल्स की ओर से अदालत में दिए गए थे, उनको भी एनालाइज किया गया, जो न्यूज रिपोर्ट्स थी, कटिंग्स थी, वो भी थी और अब इन सभी को आरोपों से बरी कर दिया गया है। ये आज की बड़ी खबर और लगातार सीबीआई की विशेष अदालत में इस वक्त मौजूद विशाल पांडे जो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, विशाल पांडे इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, ये बहुत बड़ी राहत की खबर उन बीजेपी नेताओं के लिए, ये बड़े बड़े नाम जो आज इन आरोपों से अब बरी हो चुके हैं। बिल्कुल मीमांसा जी, देखिए जो सभी 32 आरोपी थे इसमें इस वक्त उन सभी को बरी कर दिया गया है और जज ने अपने फैसले के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही। बिमल श्रीवास्तव जो कि बचाव पक्ष के वकील थे, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये माना कि कोई साजिश इस तरह की नहीं हुई थी जिसे कहा जाए कि साजिश के तहत इसको गिराया गया, ये बिमल श्रीवास्तव ने बताया। इसके अलावा ये कहा कि जो साक्ष्य पेश किए गए थे उसमें से फोटोग्राफ्स का मूल निगेटिव नहीं दिया गया था कोर्ट में, उस पर बचाव पक्ष ने सवाल खड़े किए थे।
अखबारों की जो कटिंग्स पेश की गई थी, कहा गया ये फोटोकॉपी दी गई थी, मूल अखबार की प्रति कोर्ट में जमा नहीं की गई थी, तो इसे साक्ष्य के तौर पर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आज फैसले के दौरान जो तमाम बातें निकल कर सामने आई उसमें सबसे बड़ी बात यही रही कि इसमें सीधे सीधे इनका कोई रोल नहीं था। जिन लोगों को नामजद किया गया था, दो FIR की गई थी, 197 और 198, और दूसरी FIR में 8 लोगों का नाम पहले सबसे शामिल किया गया था, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के ये नेता थे, जिसमें प्रमुख नाम लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा इसमें और नाम शामिल थे। इन सभी को पूरी तरह से बरी कर दिया गया। महंत नृत्य गोपाल दास जो कि फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी नामजद किया गया था, वो भी पूरी तरह से बरी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए मीमांसा जी, 1992 में जो विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था उसमें कोई ऐसी साजिश नहीं थी, ऐसा कहना है बचाव पक्ष के वकील का। जब फैसले के बाहर आकर उन्होंने जी न्यूज से बातचीत की, हमें यह भी जानकारी दी गई कि उस वक्त दो अलग अलग धड़े उसमें बटे हुए थे और जो कारसेवा के लिए लोग आए थे उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। और जब विवादित ढांचा गिराया गया उस वक्त रामकथा कुंज पार्क जो कि वहां से थोड़ी दूरी पर है, जो नेता मंच पर मौजूद थे उन नेताओं का सीधे सीधे कोई रोल नहीं था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम बड़े नेता रामकथा कुंज पार्क में मौजूद थे, कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया। तो इस तरह के पक्ष यहां पर बचाव पक्ष की तरफ से जो रखे गए उसको कंसिडर करते हुए जज ने आज इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें 49 लोग सबसे पहले आरोपी बनाए गए थे CBI की जो पहली चार्जशीट थी, और 49 में से 17 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी मौत हो चुकी है, जिसमें बाला साहब ठाकरे, अशोक सिंघल जो कि राम मंदिर आंदोलन के नायक माने जाते हैं के नाम शामिल थे। अब इनके अलावा जो 32 नाम हैं उसमें अगर मैं प्रमुख नाम बताना चाहूं, क्योंकि ये 32 नाम में कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं होगी, उस वक्त के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे RN श्रीवास्तव, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने साथ दिया, उनको भी बरी कर दिया गया है। इसमें विनय कटियार जो कि बजरंग दल के उस वक्त के नेता हुआ करते थे, साक्षी महाराज भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, फिलहाल उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, साध्वी रितंबरा जो कि कोर्ट में मौजूद थी उन्हें भी बरी किया गया, चंपत राय इस वक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं इन्हें भी बरी कर दिया गया, रामविलास वेदांती जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं अयोध्या से ही हैं तो उन्हें भी बरी किया गया, रामजी गुप्ता, महंत धर्मदास, पवन पांडे, एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे, वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे, ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है। और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद।
तो मुरली मनोहर जोशी जो कह रहे हैं ऐतिहासिक फैसला है, षड्यंत्र नहीं था, जो कुछ हुआ अचानक हुआ, और जो राम मंदिर आंदोलन ये जिनकी अगुवाई रही लालकृष्ण आडवाणी जी की, ये इसका जो मकसद था वो दरअसल जन जागरण था। शहजाद पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शहजाद पूनावाला, सबसे अहम बात जो कोर्ट की, पूर्व प्रायोजित नहीं था, यानी कि प्री प्लान नहीं था, वीएचपी बीजेपी के नेताओं ने रोकने का प्रयास किया, सीबीआई की कैसेट टैम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी, जो पेपर कटिंग दाखिल की गई उसका कोई आधार नहीं था, कहां से आई? बिल्कुल मीमांसा जी, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि 28 सालों तक जो एक लगातार एक एजेंडा चलाया गया बीजेपी के खासकर नेताओं के खिलाफ, संघ परिवार के नेताओं के खिलाफ, और एक तरीके से लार्जर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ, कि ये सुनियोजित तरीके से एक ढांचे को गिरवाया गया और ये प्लानिंग के साथ किया गया वोट बैंक को साधने के उद्देश्य से, आज उस पर बड़ी चोट हुई है और संघ परिवार के लिए एक बड़ा विंडिकेशन का एक समय आ चुका है। और किस तरीके की राजनीति अब भी की जा रही है, मैं आपके पास मोहम्मद सलीम, जो कॉमरेड मोहम्मद सलीम सांसद है, उनका मैं ट्वीट भेज रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जज ने दरअसल एक प्रमोशन की उनको अपेक्षा है, इसीलिए ऐसा फैसला दिया है। मतलब सीधे सीधे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाली जो बात है, उस तरीके से एक तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कोर्ट की बातों को मानने का हवाला देते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, पर जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आया सिविल सूट में, तब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कई सारे सवाल उठाए, रंजन गोगोई पर सवाल उठाए, और आज जो जज ने ये फैसला दिया है, 28 साल बाद ये फैसला आया है, कितने लंबे लीगल बैटल के बाद फैसला आया है, तो आज जज की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं ये विपक्ष के, और खासकर वामपंथी विचारधारा के लोग। तो मुझे लगता है कि आज भी एक राजनीति का बड़ा उनका एक मुद्दा छिन गया है कि कैसे संघ परिवार को एक तरीके से खलनायक बताया जाए, तो वो राजनीति का मुद्दा छिन गया। तो इस तरीके की राजनीति पर अब लेफ्ट के लोग उतर आए हैं। मोहम्मद सलीम का ट्वीट है ये कि जज ने प्रमोशन की जो है उसको प्रमोशन चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का फैसला किया है। जी, अदालत के फैसले पर भी इसी तरह से सवाल उठाए जाते हैं, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि अदालत ने संवैधानिक तरीके से इस पूरे मामले को पढ़ा है, जो साक्ष्य हैं वो रखे गए थे, लेकिन सबूतों के अभाव में ही ये फैसला सुनाया गया है। और ये जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, वीएचपी के जो नेता हैं, जिन पर जो आपराधिक साजिश के आरोप लग रहे थे, उसमें कोई आधार अदालत ने नहीं पाया। और आप देख रहे हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जो इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, उनके घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर मिठाई बांटी जा रही है। वहां पर हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र, इससे बड़ी राहत की खबर नहीं हो सकती, राम मंदिर आंदोलन के जो पुरोधा माने जाते हैं, महानायक, और ये आपराधिक साजिश के आरोप वो झेलते रहे इतने सालों से, और 28 साल के लंबे इंतजार के बाद आज ये फैसला उनके पक्ष में, आरोपों से मुक्त हो गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। देखिए मीमान साहब, लालकृष्ण आडवाणी के बारे में ये कहा जाता है कि 6 दशक से ज़्यादा, 60 वर्ष से ज़्यादा तक उन्होंने सियासत की है, उससे ज़्यादा, और आज भी सक्रिय राजनीति में भले न हो, लेकिन कम से कम 60 साल से ज़्यादा समय से वो सियासत कर रहे हैं, और उनके विरोधी भी कहते हैं कि उनके दामन पर किसी चीज़ का दाग नहीं लगा। जैन हवाला कांड हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आपको याद होगा, चुनाव नहीं लड़ा जब तक कि वो क्लियर नहीं हुए जैन हवाला कांड से। उसके बाद बाबरी मस्जिद के बारे में भी जब इस तरह के आरोप लगे, तो उनके करीबी और वो भी, जब भी हम लोग मिलते थे संसद के अंदर में या बाहर में, तो एक ही बात कहते थे कि आज तक कोई आरोप नहीं लगा, और ये षड्यंत्र किया गया कांग्रेस द्वारा 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय, और उसको यूपीए सरकार ने और हवा देने की कोशिश की थी। और आज जब फैसला आया, तो जो हमें जानकारी मिल रही, काफ़ी राहत, और यहाँ पर अंदर से ही उनका स्टाफ आकर लड्डू खिलाया है सभी यहाँ पर, जो भी कार्यकर्ता हैं या फिर जो यहाँ पर आडवाणी जी को कवर करने वाली मीडिया लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ी राहत बात। लेकिन एक बात मीमान साहब, पूरे अगर 1992 से देखा जाए, जब विवादित ढांचा गिरा था, उसके बाद से आज तक केवल शिवसेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं बाला साहब ठाकरे, जो स्वर्गीय हैं, वो केवल सीना ठोक के कहते थे कि हमारे स्वयंसेवकों ने, हमारे शिवसैनिकों ने इस बाबरी ढांचे को, विवादित ढांचे को गिराया है। उसके अलावा बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मेन स्ट्रीम में रहे हैं, कोई भी नेता ये कभी नहीं कहा कि हमने इसको, ढांचे को गिराने में हमारी सक्रिय भूमिका रही है। और खुद लालकृष्ण आडवाणी का वो वीडियो भी उस समय भी काफ़ी फेमस हुआ था, जब वो माइक पर बोल रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ढांचा नहीं गिराओ, उस पर ठोकर नहीं मारो, इस तरह कई तरह के बातें उस समय भी आई थी।
तो जाहिर सी बात है जब 120B लगाया गया था, ये सालों बाद लगाया गया आपराधिक मामला, क्योंकि 198 में केवल 8 लोगों को ही उसमें जोड़ा गया था, 197 में अनगिनत लोगों को जोड़ा गया था, 8 लोगों में लाल किशन अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह भी थे, और 120B बाद में जोड़ा गया था, जिसे 2001 में ट्रायल कोर्ट ने, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पर फिर चलाया, और आज ये मामला पूरी तरह से बरी हुए। तो जो अंदर से बातें आ रही है, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उनसे मिल रहे हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है उम्र के इस पड़ाव पर लाल किशन अडवाणी के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि भगवान श्री राम को लेकर जो आंदोलन उन्होंने चलाया था, अब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है ना, सीपी सिंह भी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सीपी सिंह जी, जो बदनाम करने वाला गैंग है, क्या वो अब देश से माफी मांगेगा? देखिए, जो बदनाम करने वाला आपका गैंग है, वह देश से माफी इसलिए नहीं मांगेगा क्योंकि उसके माफी मांगने न मांगने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता अब उससे आगे बढ़ चली है, और जैसे ही इन मामलों में आप याद करिए, राम मंदिर का भी मामला तो सैकड़ों सालों से लटका हुआ था। क्यों लटकाया गया? क्योंकि अंततः कानून के आधार पर यह हिंदू पक्ष को ही मिलना था। इसीलिए बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले को भी 28 साल तक लटकाया गया, क्योंकि जिन लोगों पे झूठे आरोप लगाए गए या षड्यंत्र किया गया उनको सजा नहीं मिलती। चूंकि सजा नहीं मिलती इसलिए मामले को इतना लटकाया गया। इससे हम लोग को कुछ सीख मिलती है, पूरे सिस्टम को सीख मिलती है कि आप कानून का, अदालत का सहारा लेकर के, सरकार का सहारा लेकर के किसी मामले को इतना लंबा मत खींचिए कि जनाक्रोश आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए। क्योंकि जनाक्रोश कानून को नहीं मानता, वह न्याय को मानता है, और न्याय तभी होता है जब फैसला समय पे होता है। मैं यह बात जी, आप अन्याय की बात कर रहे हैं सीपी सिंह, लेकिन शहजाद पूनावाला, जो अन्याय इन नेताओं के खिलाफ हुआ, कितने सालों से आपराधिक साजिश का जो एक दाग लगा दिया गया, धब्बा लगा दिया गया, उसका हिसाब कौन देगा? बिल्कुल मेहमानसा जी, आज सवाल ये होना चाहिए कि अगर इतने सबूत थे, अगर इतने प्रमाण थे, तो बार बार इस केस को लटकाना, अटकाना, भटकाने की साजिश क्यों की गई? दरअसल ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कांग्रेस और वामपंथी की राजनीति को आगे चमकाने के लिए। और जब ये केस एक्चुअल में जब कोर्ट के पास पहुंचा और कोर्ट में उसकी ट्रायल हुई, तो आज सच सामने निकल कर आ चुका है कि इस मामले में दरअसल एक एजेंडे के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत ही कार्रवाई की जा रही थी। पर सवाल ये होना चाहिए कि बदनामी गैंग जो बदनामी कर रहा था, अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक कार्रवाई तो हो चुकी है, पर जिन्होंने इतने सालों तक एक 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 डैमेज करने की कोशिश की लगातार इमेज को, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? सवाल आज यही है जी। विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल पांडे, माना जाए कि विवाद पर अब पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि अगर कोर्ट ये कहती है कि सबूत तो है ही नहीं, जो पेपर कटिंग्स लेकर पहुंची गई थी, वो पेपर कटिंग्स का आधार क्या है अदालत ने उसे मानने से इनकार कर दिया, जो कैसेट्स वहां पर पेश की गई थी वो फैब्रिकेटेड, वो टैम्पर्ड बताई जा रही है, तो अब ये मामला आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए, अब फिलहाल तो इस मामले के आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। सीबीआई इसमें आगे क्या करती है, सब कुछ सीबीआई के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच कर रही थी, जो केस सीबीआई को सौंपा गया था। हालांकि जब यहां से अभी जब सेशन कोर्ट है, एक तरह से ये विशेष जो अदालत बनाया गया था, इससे बरी कर दिया गया है, तो अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये फैसला है, एक तरह से ये नज़ीर बनेगा, और 1992 में जो कुछ अयोध्या में हुआ था वो इन लोगों के कारण से नहीं हुआ था, ये पूरी तरह से साफ हो गया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, यानी कि पहले से प्री प्लान नहीं किया गया था इस घटना के संदर्भ में। जो कारसेवा वहां पर हुई थी और जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, कोई साजिश। आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। तो खुशी का मौका बता रहे हैं, ऐतिहासिक फैसला आप सुन रहे थे
लाल कृष्ण आडवाणी बोलते हुए, और रविंद्र हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद, और आपको दिखाया था हमने किस तरह से वहां पर मिठाई बांटी जा रही है, क्योंकि 28 साल तक ये बदनामी का जो दाग झेला है, जो आपराधिक साजिश के आरोप लगे और जो उतार चढ़ाव हमने इस केस में देखे हैं कि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट इन आरोपों को हटा देता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2 साल में इसका फैसला सुनाया जाना चाहिए, और अब आज फैसले का दिन, और जितने आरोप लगे थे बीजेपी के बड़े नेताओं पर, वीएचपी के नेताओं पर, उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है साक्ष्यों के अभाव में। कोई सबूत कोर्ट ने नहीं पाए, कोई आधार इनका नहीं रहा, और इसी वजह से आरोपों से बरी कर दिया गया है सभी आरोपियों को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.